देश भर में शनिवार को गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाइयां दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 नवंबर बीत गया, लेकिन सरकार की ओर से एक विज्ञापन भी नहीं आया। इसके साथ ही हम आदिवासी नृत्य शुरू करते थे, इस साल उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि मिली थी और छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन उन्होंने गौठान समेत सभी कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। इन 10 महीनों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। सतनाम के प्रतीक जैत खाम के बाद अब कबीर पंथ का पवित्र दामा खेड़ा भी सुरक्षित नहीं रहा। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही है। इस सरकार में न महिलाएं सुरक्षित है और न ही समाज का कोई वर्ग, लेकिन विष्णु देव जी चैन की नींद सो रहे हैं। पैसा दे के काम कैसे करती थे, मेहनत कर रहे थे, जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे लघु उपज खरीदी करे, चाहे गौ पालन करे, चाहे कृषि काम करे, वो सबके जेब में पैसा पहुंचे। अब ये सरकार सब बंद कर दे, वो तो हम लगातार 2500 से ऊपर दे रहे, 2600 और 40 और 2800 तक दे रहे हैं। तेकर कारण से सरकार 3100 दे नहीं थी, मन नहीं देती। आज 3100 मिले थे किसान ला, तो वो कांग्रेस सरकार कारण से मिले थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के कारण से मिले थे, नहीं तो सरकार नहीं देती। नहीं तो रमन सिंह के राज में तो चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस भी थे। तो ये स्थिति रही से अब सरकार बहाना ढूंढ रहा थे कि धान कम खरीदे पड़े, तो ये हमारा सचेत रहे का आवश्यकता है। और आप सब ये अवसर में दीपावली की बधाई शुभकामना। आज जब सब जन आज देख ले, हम सब त्योहार मनात रहे, हरेली ला, तीजा ला, है ना, कर्मा जयंती, छेरा, पुन्नी, छठ पूजा, सब के आयोजन हम करत रहे, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आयोजन करत रहे, सब जन व्यस्त रहे, उत्सव में रहे, सब जन चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, शहर में व्यापारी मन खुश कावर की पांच कोरोना काल में मंदी मारनी पड़ी थी, हम व्यापारी मन लाई, हम उद्योगपति मन ला, सबसे पहले लोगों का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़, कोरोना के बाद सबसे पहले उत्पादन हो तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो, खूब पैसा पीटे हैं, जबका लोन ले रही से जबका उद्योगपति सब के लोन पट गए, अब फिर से भी कर्ज कर्जदार बना थे, है ना, विष्णु देव राज में। आज एक कारण से ये सब अचानक साल भर के भीतर में हिंसा की घटना बहुत बढ़ गई, अचानक हिंसा बढ़ गई, घर जलाए के तो पहली छत्तीसगढ़ में नहीं होती रही से, एक वक्त तो लोहारी डीम घर जला दीस, सूरजपुर में घर जला दीस, यहाँ कलेक्ट्रेट और कार्यालय जला दीस, एसपी कार्यालय जला दीस, और जहां बस्तर में फर्जी नक्सली बता के आदिवासी में मार रहे थे, या सतनामी समाज के जेल में भरे काम कर रहे थे, साहू समाज मले 167 रन के 302 के बड़े बड़े अपराध पंजीबद्ध हो गए, यादव समाज प्रताड़ित कर रहे थे, और साथ साथ अब तो प्रकाश मुनि नाम साहब जिन बड़ा प्रतिष्ठित हमार मुनि नाम से हम जानसन और दावा खेड़ा कबीर पंथ के बहुत बड़े केंद्र, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े केंद्र, वहां हमला हो गया आज रात में। तो आज कौन सुरक्षित है, महिला मन के कोई सुरक्षा नहीं है, बस स्टैंड में बलात्कार हो थे, स्कूल में बलात्कार हो थे, तो ये कॉलेज में बलात्कार हो थे, तो न महिला सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न साहू सतनामी, न कोई बंगाली समाज, कोई समाज अब सुरक्षित नहीं है, कभी पंथी सुरक्षित नहीं, कभी वो सबसे बड़े केंद्र में हमला हो गया करो माचिस का, अतिरिक्त दुस्साहस ये पाए कि वातावरण दूषित हो जाते है, आदमी के दिमाग में हिंसा और घृणा भरत जाता, तेकर दुष्परिणाम है। ये धरती है तिन कबीर के धरती, ये धरती गुरु घासीदास के धरती है, स्वामी आत्मानंद के धरती है, जहां भाईचारा प्रेम और सौहार्द के वातावरण रहे, आज सब अहिंसक बना जाते अवकर कारण से। पवन दीवान एक बार कहा है ना, पहली खोपड़ी गर्म होते तब झोपड़ी जलते, तो आज सबके दिमाग में गर्म करके रख दे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, एवं घृणक भरे काम करते, हिंसा भरे काम करते, तो खोपड़ी पहली गर्म करते, झोपड़ी जलत जा, मकान जला थे, कार्यालय जला थे, आज व्यापारी कौन से सुरक्षित,
धमकी दे थे या गोली चला थे रायपुर राजधानी में, फिरौती ले मांग कर रहे थे, प्रोटेक्शन मनी ले पर गोली चला थे। तो आज कौन से वर्ग बचे है? दीपावली मार देख ले सकरीम का हुई, दामाखेड़म का हो, चार दिन में 6 हत्या रायपुर राजधानी में। अब विष्णुदेव बढ़िया